जय हिंद मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस डिजिटल इंडिया का डिजिटल चैनल। नमस्कार, मैं हूं संदीप कुंडी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। सासनी पुलिस और एसओजी टीम को मिली बड़ी कामयाबी, 38,91,600 रुपए की भारी मात्रा में देसी शराब की पेटियां की बरामद। 1,081 पेटी देसी शराब के साथ एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने हरियाणा के ट्रक को भी किया जब्त। हरियाणा के सोनीपत से ट्रक में लादकर बिहार व अन्य प्रदेशों में सप्लाई करता था तस्कर। कोतवाली सासनी में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का किया खुलासा। देखिए, ये थाना सासनी और एसओजी की संयुक्त कार्रवाई से जनपद हाथरस में एक बहुत उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें एक मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें 1,081 पेटी शराब बरामद हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम मोनू चंदन सिंह है, जो कि फिरोजाबाद का रहने वाला है। इससे पूछताछ पर ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये जो है हरियाणा से ये शराब लाई जाती है और बिहार या अन्य क्षेत्रों में जाकर के इसको वितरित किया जाता है। और गहराई से छानबीन करने पर इसके द्वारा जो बताया गया, इसमें दो अन्य लोगों को नामजद किया गया है। इनके बताए के मुताबिक इसमें एक जो ट्रक मालिक है और साथ ही में एक जो मुनीम है धर्मपाल चौधरी, ये दोनों ही अभी फरार हैं और इनकी ये कार्रवाई की जा रही है। और इसमें और इनका नेटवर्क जो है वो पूछताछ में जो तथ्य है उसके आधार पर पुलिस अभी आगे कार्रवाई करेगी। शराब कौन सी? ये शराब देसी मिली है, जिसकी मार्केट में कीमत लगभग 38,91,000 रुपए के आसपास है। सर, ये शराब कहाँ से लेकर आते थे और कहाँ के लिए ले आते थे? देखिए, इन्होंने कुछ जगह बताई है जो कि पूरी डिटेल बताना अभी संभव नहीं है। हरियाणा से ला करके और ये बिहार में ले जा करके बेचते थे और रास्ते में पड़ने वाले कई जनपदों में भी इनके लिंक्स निकल के आ रहे हैं। उसमें और गहराई से जब छानबीन की जाएगी तो और तथ्य प्रकाश में आएगा। अवैध शराब का जखीरा पकड़ने वाली पुलिस और एसओजी टीम को कुछ इनाम है सर? जी हाँ, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 15,000 रुपए इनाम प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहे समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।